हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, आप देख रहे हैं कि आज हमारा लेसन नंबर 3 है, द स्केलेटल सिस्टम। द फ्रेमवर्क ऑफ, इसका मतलब होता है, देखो पहले तो मैं इसी डेफिनेशन दे देता हूँ। द स्केलेटल सिस्टम इन हड्डियों का सिस्टम, हमारी बॉडी में जो हड्डियों का सिस्टम उसको स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, ए फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी मेड अप ऑफ बोन विद शेप विद गिव्स शेप एंड स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्ट ऑर्गन इन साइड अवर बॉडी इज नोन एज द स्केलेटल सिस्टम। देखो हड्डियों का जो हमारा ढांचा है, हड्डियों का जो हमारा ढांचा है जिसने हमारे शरीर को एक आकार दिया है, जो हमें मजबूती देता है, जिसकी वजह से हम खड़े रहते हैं, और जो हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन है, जैसे कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन है, लंग्स है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, इन सबको प्रोटेक्ट करता है हमारा ये हड्डियों का सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। इसको हम स्केलेटल सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब देखो कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको और बताता हूँ कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, नया बच्चा जो जन्म लेता है, उसके शरीर में लगभग 305 बोन्स होती है, जबकि एक जो बड़ा आदमी या एडल्ट जो पर्सन होता है उसके अंदर 206 बोन्स होती है। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसे हो सकता है कि छोटे बच्चे में हड्डियां तो होती हैं लेकिन छोटी छोटी होती है और जॉइंट्स के रूप में नहीं होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं और वो सिंगल बोन बन जाती है, इसलिए बड़े होने पर हड्डियां कम हो जाती हैं और बचपन में हड्डियां ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखिए, आपने कभी सोचा कि हमारी हड्डियों में क्या है? तो मैं बताता हूँ आपको, हमारे हड्डियों के बीच में जो है, हमारी हड्डियाँ वैसे तो खोखली होती हैं लेकिन उन खोखली के अंदर भी एक मसाले जैसा पार्ट भरा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं बोन मेरो। द इनर पोर्शन ऑफ बोन इज कॉल्ड बोन मेरो। अंदर हमारे हड्डियों का अंदर वाला जो पोर्शन है उसको हम बोन मेरो कहते हैं। इसी बोन मेरो के अंदर जो है हमारी ब्लड सेल्स RBC बनती हैं। जो हमारी ब्लड के अंदर RBC सेल्स बनती है वो इसी बोन मेरो से बनती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी हड्डियों का, ठीक है। अब हम बात करते हैं देखो कार्टिलेज की। कार्टिलेज भी देखो बोन की तरह होता है लेकिन ये सॉफ्ट या नरम हड्डियों जैसा होता है। जैसे आपने अपने कान को हाथ लगाओ, आपके कान की हड्डी कैसी है, नरम है ना, ऊपर का कान जो हमारा है, तो वो कार्टिलेज से बना हुआ है। कार्टिलेज क्या काम करता है? एक तो नरम होता है, ये दो हड्डियों को जोड़ने का काम भी करता है। जैसे हमारी बॉडी में कोहनी का जॉइंट है, घुटने का जॉइंट है, इनको जोड़ने का काम भी कार्टिलेज ने ही किया है। तो बोन्स आर जॉइंट बाय कार्टिलेज, ए स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक मटेरियल नोन एज कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है? एक मजबूत और इलास्टिक मटेरियल है जिसको कि हम कार्टिलेज कहते हैं। तो देखो अब आप इसको अपनी जो है नोटबुक में, बुक के अंदर और पढ़ना। इसको नोटबुक में तो आपने लिख ही लिया है, मैंने आपको समझा दिया। अब आप इसको अपनी बुक में और पढ़ना और कोशिश करना कि आप लेट्स ट्राई वन और लेट्स ट्राई टू कर सको। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो इस अगले वीडियो होगा उसमें मैं आपको लेट्स ट्राई वन और सेकंड की क्वेश्चन आंसर लिख के दूंगा। तब तक आप कोशिश करें, फिर मेरा जो वीडियो है उसमें आप पहले ही कर लेना कि आपने कितना सही किया कितना गलत किया। ओके बाय।